for next 2-3 days have fridge loaded with so many beverages. Here is a complimentary tea, coffee, water. Then here is TV. I really like this mirror and the whole thing. I'm so excited to show you the washroom. See? Oh my god, just love this mirror and the light. Then we have hair dryer, lotion, conditioner stuff. It's our bath area, the sliding video. So it's an open washroom, by the way. There is no door. Everyone, and welcome back to my channel. So today is officially first day in Sri Lanka, and currently I'm in Sigiriya, aur main reh rahi hu nude resort mein, jo Sigiriya se 4 kilometers pe hai. It's raining, as you can see. Last video mein maine cover kiya tha Mumbai to Colombo ka safar, light hai documents ki, aur Chennai airport kaisa, Colombo airport kaisa. In today's video mere bahut sare plans hai jise Sigiriya cover karna tha, but due to rain I don't think so it's possible. Like right now is 3:30 PM and aise bahut zyada cloudy ho gaya, to mujhe bahar jaane ko nahi milega. बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने रेस्ट ऑफ द डे रिसोर्ट में ही स्पेंड किया. एंड आई ट्राइड सम श्रीलंकन ट्रेडिशनल डिशेस, एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. एंड फिर मैंने रेस्ट किया. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने साइट सीइंग स्टार्ट किया, एंड फर्स्ट मैं गई डम्बुला टेम्पल और फिर पिदुरंगाला. 1000 श्रीलंकन रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और टिकट लेनी पड़ेगी. ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का हाइक है, और स्टार्टिंग में ही है ना थोड़े से स्टेयर्स है, तो वो थोड़ा इजी पार्ट है. बट आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इट्स ऑल वर्थ इट. पिदुरंगाला इज़ ए वेरी फेमस स्पॉट, और यहाँ से आना आपको सिगिरिया लाइन रॉक का टॉप व्यू दिखता है, और वो भी चीप प्राइस में. एंड इट्स द ब्यूटिफुल प्लेस. पूरे आजू बाजू में जंगल है, और वहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू भी है. वहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाओगे, लाइक 2-3 स्टेज आते हैं जहाँ से आपको व्यू दिखते जाएगा. डोंट फर्गेट टू कैरी वाटर बॉटल एंड कम्फर्टेबल एक्टिव वेयर पहन के ही जाना, बिकॉज इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. एंड फाइनली मेड इट टू टॉप, एंड हियर इज द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ सिगिरिया लायन रॉक. पिदुरंगाला थोड़ा जंगल में है, 3 किलोमीटर अंदर है. स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बाहर जाते जाते बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू मिलेंगे, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, और बहुत सारे स्तूपा मिलेंगे. गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डे 2 इन सिगिरिया. आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट, एंड फ्रॉम द डम्बुला यू विल गेट अ डायरेक्ट बस फ्रॉम द सिगिरिया. एंड देर आर 2 बसेस, द वन इज़ वाइट एंड वन इज़ रेड. वाइट के फेयर थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द रेड, बिकॉज रेड बस होता है वो गवर्नमेंट का बस होता है. सो आई थिंक आई पेड ऑलमोस्ट 120 श्रीलंकन रुपीज टू रीच द रेनिंग हैविली. सो डम्बुला केव्स के बाद आई डायरेक्टली गो टू गिरिया, एंड सिगिरिया से मैंने टुक टुक लिया. टुक टुक के लिए आस्क यू 500 श्रीलंकन रुपीज, एंड आई नेगोशिएट विद देम फॉर 2 फेयर, लाइक पिकअप एंड ड्रॉप, ये विद दी 700. सो आई पेड 700, और वो मेरा वेट ही कर रहे थे. लाइक मैं हाइक पे चली गई, बट वो फिर भी वेट कर रहे थे जो मुझे चीज़ अच्छी लगी. सिगिरिया बस स्टॉप से आपको ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है टू रीच दैट हाइकिंग पार्ट, और फिर ऑलमोस्ट आपको 40 मिनट्स लग जाते हैं ऊपर जाते जाते, और मे बी 1 घंटा भी लग सकता है, बट तो 40 मिनट्स लगते ही लगते हैं. देन आपको नीचे उतरने में भी लगता है रेनिंग, एंड इट वॉज फॉगी, तो मुझे प्रॉपर सनसेट नहीं मिला. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सनसेट के टाइम पे जाओ ही मत अगर रेनिंग हो रहा है, क्योंकि एनी हाउ आपको सनसेट तो मिलेगा ही नहीं. प्लस जो नीचे उतरते वक्त इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा हो जाता है, लाइट्स है वहाँ पे, वो अच्छी चीज़ है. रेन के वजह से थोड़ा ग्रीसी हो गया था, तो उतरते वक्त थोड़ी तकलीफ हो रही थी सिगिरिया रॉक. और फिर वो हाइक करते करते इस ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया था, एंड इट वॉज थोड़ा डिफिकल्ट हाइक था, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एडवेंचर जंकी एंड सिचुएशन. तो वहाँ से आने के बाद
मैंने टुक टुक किया क्योंकि बस का जो टाइमिंग होता है सिगिरिया टू डम्बुला 5 बजे की लास्ट बस होती है, उसके बाद आपको टुक टुक लेना पड़ता है। फॉर द टुक टुक ऑलमोस्ट चार्ज यू 500 श्रीलंकन रुपीज़, तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। लाइक माई प्रॉपर्टी इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द हाइक पॉइंट फ्रॉम द सिगिरिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्पाइस टूम एंड दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी नाइस एंड इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वेरी पीसफुल इन अ लुक। Manioc. Yeah. This is the papaya tree, right? Yeah, cool. These are the banana trees. Okay, the wild grass and little banana trees. The same here, papaya trees. And what about these trees? These are potato. Sweet potato. Or a sweet potato plant. Okay. Foreigners are visiting Sri Lanka now. I am the only one at the airport from India. So these are sweet potato only. Oh wow. It would be better. Like they will understand your point of view. Nearby entrance of the Niwari Resort. Yeah. But at the moment little bit less crowd in the hotel. But hopefully next year after the COVID and the fuel and all other crises, it's all getting over now in Sri Lanka. So it's a good time to visit Sri Lanka because at the moment all are okay with the situation. So you are welcome to Sri Lanka. We will give you our level best service and you can enjoy Sri Lanka without any escape. Yeah, so nice of you. What you can say about the current situation in Sri Lanka? Now current situation is getting better. Okay. Earlier little problems, but now all are okay. It's feel free to visit Sri Lanka now. Yeah. And you can support even, you can come to visit Sri Lanka. People are very nice, very sweet and very supportive. I must say Sri Lankan people have my heart. From the first day, everyone is helping me out. You know, and they're not demanding money. Like in such scenarios, especially in financial crisis, people expect money and they don't bargain or negotiate. But some people are very genuine and they help me genuinely without expectation of money. That's something I am very surprised and very proud of. Like Sri Lankan people are very nice people. Spiritual path and spirituality makes you better person. So I observe this in Sri Lanka and I'm very, very grateful for you guys. Yeah, heading to the pool because it's very sunny. 2 din se bahut rain ho rahi thi, bahut rain ho rahi thi. And pool mere exactly mere room ke samne hai. I'm going to pool mein aur thodi masti karungi. Then I will freshen up and I will leave for my next destination, that is Anuradhapura. It's a historical place and historical city jo Buddhism ke time se chalti aa rahi hai. Historical cheeze mujhe pata chalegi and I'm very excited to visit the Anuradhapura. I don't think so mujhe proper abhi ending karne milega because main pool mein jaungi and I will end this vlog here. So thank you so much for watching me and subscribe to my channel and I hope aapko Sri Lanka series achhi lag rahi hai abhi tak ke liye. I'm my best, main zyada informative video banau as much as possible. मेरे हाथ और कमर और बॉडी बहुत पेन कर रहा है क्योंकि कल मैंने 2 हाइक किए हैं. एंड या थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू.